फ्यूजन स्पेशल में अब मध्य प्रदेश का आदिवासी नृत्य फ्री स्टाइल डांस के साथ इस मंच पर खेलने वाला है। प्रेजेंटिंग होशंगाबाद मध्य प्रदेश से नचपन का टीका नीरजा तिवारी विद सुपर गुरु भावना खंडू जा खंडू जा खंडू जा खंडू जा। कमेंट्स बाद में करेंगे, पहले सीढ़ी। अरे लाओ यार। इसका दिल करे वो बोल दे अपनी बात। क्या बोले बाप रे क्या बोले अभी क्या बोले। आउटस्टैंडिंग माइंड ब्लोइंग, मुझे बहुत पसंद आया ये मिक्स, ये ट्राइबल मीट्स एफ्रो मीट्स व्हाटएवर दिस मीट्स फ्यूजन वाज, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो एक पोर्शन किया आपने रात काली नागिन सी हुई है जब आपने एक दूसरे अनरियल ओपनिंग ही कमाल, वो पायल की आवाज पे उसका स्प्लिट से स्प्लिट में जाना कमाल, मतलब नीरजा आई हैव सीन अ न्यू साइड ऑफ यू, थैंक यू। मुझे यकीन नहीं होता, मैंने
ग्रेस देखा, मैंने ब्यूटी देखी, मैंने लचक देखा, मैंने मटकना देखा, मैंने स्ट्रॉन्ग एक एटीट्यूड देखा, एक अग्रेशन देखा. आई थॉट यू वर स्टुपेंडो फैंटेबुलसली फैंटास्मागोरिकली मैजिकली फिनोमिनल. और एक बार ये भी बनता है ऐसी बात में दबा के चली आई, खुल जाए वो ही बात तो दुहाई है दो. मैंने आपको अंडरएस्टिमेट किया था वाकई. इट्स माय ऑनेस्ट कन्फेशन. और दिस इज योर बेस्ट एक्ट टिल डेट. और मैं आशा करता हूँ मैं हर एपिसोड में यही बात बोलूँ. निर्जा बेटी तुम बहुत कमाल हो यार. थैंक यू सर. तुम बहुत 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 स्पेशल हो. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू सो मच सर. इस फिल्म में आप भी तो थे. जी जी जी. इस गाने के मुतालिक मैं कहना चाहूँगा. हाँ. इस फिल्म में मैं था. इस फिल्म का नाम है जूल थीफ. यूँ के मुझे डांस वांस का शौक बहुत पहले से ही था, तो गोल्डी अंकल से मैंने की बात की थी कि वो गाने का जब शूटिंग होगा तो मैं आना चाहूँगा. मुझे गाना सुनाया था उन्होंने, मुझे उसकी छपकी बहुत अच्छी लगती थी. ये मुझे इतना मतलब लगा था क्या बात है, अब इस पर कैसे कोरियोग्राफी होती है और कैसे शूटिंग होती है मैं देखना चाहता था. हमारे साउथ के सोहनलाल मास्टर जी, उन्होंने कोरियोग्राफी की थी सरोज जी पे. सरोज जी उनकी असिस्टेंट हुआ करती थी और उनकी कोरियोग्राफी की एक खूबसूरत बात ऐसी होती थी कि सोनलाल मास्टर जी खड़े होकर डांस करके दिखाते नहीं थे सरोज जी को, बैठ के दिखाते थे कि ये 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 कर, ये करके ये ए, ये ऐसा कर, तो वो फिर सरोज जी करती थी. इसी तरह से हम लोगों ने सब काम किया है और मैंने देखा इन बड़ों बड़ों को काम करते हुए इनकी छत्र छाया में रह के. और आप तो ब्लैक एंड व्हाइट से शुरू किए हैं सर. हाँ हाँ, 1962 मतलब में मैंने सबसे पहले कैमरा फेस किया. आप ना इतने एप्ट हुई शो के लिए, आपने 5 साल की उम्र में शुरुआत की. बिल्कुल. कितने साल हो गए होंगे? नहीं, अभी 2023 में 60 पूरे हो जाएंगे. माय गॉड क्या बात है सर. माय गॉड आउटस्टैंडिंग. अरे ईश्वर की कृपा है सर, ईश्वर की कृपा. थैंक यू निर्जा. थैंक यू भावना. पृथ्वी. जी गुरुजी. मेरे ख्यालों में एक लड़की आती है. गुरुजी मेरे सपनों में भी. उनकी आंखें सागर की दो मोतियों की तरह है. सेम पिंच. उनकी जुल्फों के सामने रेशम भी फीके पड़ जाते हैं. सेम पिंच. उन्हें देखकर प्यार शब्द का मतलब समझ में आता है. माय ऑल टाइम फेवरेट. ओह माय गॉड. चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम क्या. वक्त का दरिया बहते बहते
किस मंजर में जम जाए, तूने दीवाना दिल को बनाया, इस दिल पर इल्जाम क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम क्या। गुरुजी तो फिर बता दे वो कौन है। चल बता ही देते हैं। दिल को बनाया, इस दिल ये बनता क्या बात है शिव मिल, व्हाट अ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस है। पृथ्वी आप इतनी अच्छी तरह से परफॉर्म करते हैं वीक पर वीक, आप यू नो मेरे ही नहीं आई थिंक जनता और लोगों के दिलों में भी सून छा जाओगे, एंड हु नोस यू माइट बी द अंडरडॉग हु गोज टू द टॉप फोर और टॉप फाइव, मुझे ऐसा ही लग रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सुब्रनील जिनके लिए ये गाना आपने किया, डिंपल जी पहली फिल्म बॉबी, उनकी वो एंट्री, वो उनका हाथ में आटा, यूं दरवाजा खोलना, पहला प्यार, दैट फीलिंग, और इस मंच पे लाना, लेकिन गाना जब वो वापस आई कई साल बाद सागर, और मुझे जब भी ये मैं गाना सुनती हूँ मुझे ऐसा लगता है ये गाना उनके लिए बना है, क्योंकि जुल्फ घनेरी छाओं, सागर जैसी आंखों वाली, शी वाज ऑल ऑफ दैट। आई लव्ड कि आप ऐसे भाव को लेके भी इतना सिंपल कर सकते हैं एंड मेक इट इनोसेंट एंड मेक इट ब्यूटीफुल, वो आपकी खूबी है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। इतने खूबसूरत मोमेंट्स, वो चेहरा है या चांद खिला है, चेहरा है या चांद खिला है, और वो जो जुल्फ घनेरी शाम वाज द मोस्ट आइकॉनिक मोमेंट ऑफ दैट। जुल्फ घनेरी शाम क्या। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। पृथ्वीराज वो गाना जिस तरह से डिंपल जी के लिए लिखा गया था, मुझे लगता है वो गाना आप पे भी बैठता है, क्योंकि आपकी आंखें बहुत गहरी हैं, सागर जैसी हैं। गॉड ब्लेस यू, ये परफॉर्मेंस बहुत खूबसूरत था, बहुत अच्छा लगा मुझे, तो ये डेफिनेटली बनता है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और अब पूछते हैं मलला लला। अच्छा अच्छा है। रे 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 ले डूबी आप। आई थिंक ये एक ऐसा गाना था जहाँ पे आई अंडरस्टूड व्हाट स्लो मोशन इज, आई फील कि बस पूरे मतलब मुझे बस ऐसे ही करना है। ला 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 ला। It was lovely, it was beautiful, Prithviraj. Thank you, ma'am. मैं दुआ करती हूँ कि आप finals में आ जाए, because you're a brilliant artist, brilliant artist. Thank you so much, ma'am. Thank you. God bless you. Thank you so much. पूरे दिल के साथ ये लीवर आपके लिए। और सीढ़ी भी आपके लिए, लेके आओ सीढ़ी। Oh,
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.